हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज थोड़ी सी लेट हो गई उठने में, क्योंकि ठंड है और ठंड में आलस होती है उठने में। और वैसे भी मैं 7 बजे तक ही उठता हूँ, 7 बजे से पहले मेरे से होता नहीं उठना। और अब देख सकते हैं थोड़ा सा ठंड लग रहा है, तो मैंने चादर डाला हुआ है। चलिए फिर, अब रेडी होते हैं, वॉशरूम वगैरह से आते हैं, फिर चलते हैं। काम पे भी निकलना है, सोमवार है, तो आइए चलते हैं, ले चलते हैं। आज का दिन दिखाते हैं आपको क्या क्या कर रहे हैं। तो हमारी चाय तो हो रही है, आप लोगों ने चाय पी? चलिए, हमारी चाय की शुरुआत हो गई है। फाइनली हम वॉशरूम से आ गए हैं, अब जाना है ड्यूटी। तो देखते हैं, थोड़ा सा गाड़ी साफ़ कर लेते हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, मेरा कीचड़ तो बहुत ज़्यादा है और डस्ट भी हमारे यहाँ जब बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा गाड़ी साफ़ कर लें। नहीं, गाड़ी साफ़ करने से पहले थोड़ा ब्रश कर लेते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रश करने के बाद। तो चलिए मैं ब्रश कर लेता हूँ। फाइनली मैं अब नहा चुका हूँ और अब जल्दी जल्दी तैयार होना है, फिर खाना भी पड़ेगा, खाना खा के निकलना भी होगा। तो दिखाते हैं आपको। मैं खाने के लिए बैठ चुका हूँ और मैं आज कुछ स्पेशल डिश खाने वाला हूँ, शायद आप लोग नहीं खाए होंगे। और मेरे यहाँ तो इसे छनका बोलते हैं और मक्के की रोटी। बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? ये मट्ठे, दही का मट्ठा होता है, उसी का बनता है। तो देखिए, आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ क्या बना है। यही है छनका रोटी, ये मक्के की रोटी है और ये आलू गोभी का सब्जी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मक्के की रोटी के साथ खाना। आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको अच्छा लगता है या नहीं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको। चलिए फिर, मैंने खाना खा लिया है और अब रोटी बन रहा है, तो लंच के लिए ले जाना है। क्योंकि हम ऑफिस तो हमारा वैसे अभी 10:30 से होता है, लेकिन हम 40-45 मिनट लगते हैं ऑफिस तक पहुंचने में, तो हमें और ट्रैफिक भी होता है, तो इस कारण से हम थोड़ा सवेरे निकलते हैं, 9:30 तक हम निकल जाते हैं। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगता है, तो इस कारण भी और जल्दी निकलना पड़ता है। ये हमारी मेरी बेटी देख सकते हैं, बहुत बदमाशी करती है। बेटा हाय करो, हाय करो। तो बेटा ऑफिस जाए ना, पापा ऑफिस जाएंगे ना। हाँ, खूब खुश रही है, देखिए प्रणाम करिए, खूब खुश रही है। चलो बाय करो, बाय। मैंने खाना खा लिया है और अब रोटी बन रहा है, तो लंच के लिए ले जाना है। क्योंकि हम ऑफिस तो हमारा वैसे अभी 10:30 से होता है, लेकिन हम
40-45 मिनट लगते हैं ऑफिस तक पहुंचने में, तो हमें और ट्रैफिक भी होता है, तो इस कारण से हम थोड़ा सवेरे निकलते हैं, 9:30 तक हम निकल जाते हैं, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगता है, तो इस कारण भी और जल्दी निकलना पड़ता है। ये हमारी मेरी बेटी देख सकते हैं बहुत बदमाशी करती है। बेटा हाय करो, हाय करो। ए तो बेटा ऑफिस जाए ना, पापा ऑफिस जाएंगे ना। हाँ खूब खुश रही है, देखिए प्रणाम करिए, खूब खुश रही है। चलो बाय करो, बाय। मेरा लंच रेडी हो गया और मैं भी रेडी हो गया हूँ, और ये देख सकते हैं मेरा लंच। तो चलिए चलते हैं। एक हाथ से होता नहीं है ना लगाने में। चलते हैं तो निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। बाय बेटू, चलो अब निकलते हैं। बाय करो। ये हमारे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है ये रास्ता है जहाँ से हम निकलते हैं, और यहाँ आगे आपको एक बूढ़ी गंडक दिखेगा जो मतलब हम लोग आते हैं गंगा स्नान करने। ये हम मार्केट पहुंच गए हैं, और ये सबसे भीड़ भाड़ वाला जगह होता है। यहाँ पे फाटक है गुमती जिसको रेलवे ट्रैक मार्केट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। हम लोगों को वापस जाना पड़ा है दूसरे रास्ते से, चूँकि वहाँ पे गुमती बहुत भीड़ थी, गुमती पे और सुनने में आया है कि वहाँ कोई कट गया है जिस कारण गुमती बंद है और भीड़ ज़्यादा है, तो दूसरे रास्ते। फाइनली हम अपने ऑफिस पहुँच गए हैं। वहाँ पर 3-3 गुमती वापस आना पड़ा है, फिर अटक तो आए हैं, चूँकि शायद पता चला कि कोई कट गया था जिस कारण गुमती बंद हो गया था, तो हम अपने ऑफिस में आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं।